एक्सप्रेस पे समृद्धि महामार्ग का यहाँ पे टनल बना है, हम लोग टनल के पास आए हुए हैं। अभी टनल आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए किस तरह से बनाया गया है टनल को। टनल बनाने में बहुत समय लगा और बहुत मजबूती से बनाया गया है। बहुत अच्छे से बनाया गया है, ये मेगा कंपनी बनाई है दोस्तों। अभी हम आपको बताएंगे इस टनल के बारे में कैसे कैसे बना, अभी इसमें क्या क्या और बचा हुआ है काम, ये भी आपको बताएंगे। इधर आइए, हमारे भाई साहब एक हैं, उनसे पता करते हैं किस तरह बनाया गया है। अरे अभी आपको हम बताएंगे ये टनल कैसे बना है, हमारे अनवर भाई बताएंगे। अब इस टनल के बारे में थोड़ा बताइएगा। ये टनल की खूबी यही है कि इसमें लगभग जो है 1.5 साल समय लग गया है टनल फिनिशिंग होने में, और ये बहुत अच्छा टनल बना है। जब इसमें काम चलता था तो लोग इसमें आने में डरते थे क्योंकि काफ़ी डर लगता था, अभी तो इसमें कोई डर नहीं है, आराम से पब्लिक आता है जाता है। और जब इसमें काम चलता था उस टाइम बहुत डर लगता था। और ये रास्ता बंद था पहले, ये पीछे से रास्ता ऐसे होकर आता था और उसमें जाकर मिलता था। यहाँ से औरंगाबाद जो है 1 किलोमीटर है, यहाँ से इंटरचेंज है। ये ग्रिल किस लिए बनाया गया? ये ग्रिल बना है, ये रेलिंग है, तो मतलब गाड़ी इधर टकराए नहीं, समझे कि नहीं। और ये जो है ड्रेन है पानी का, ड्रेन है पानी का, ये जाएगा पानी इधर से, ये बहुत अच्छा है। और ये V1 है, वो V2 है, ये दो ठो लाइन बनाया गया है ना, तो ये बहुत अच्छा है। ये हमारे राजेश भाई हैं एक्सकेवेटर ऑपरेटर, ये भी काफ़ी दिन इसमें काम किए हैं और अभी फिलहाल इनकी ड्यूटी आगे में है। राजेश भाई बता सकते हैं आप कितना दिन इसमें काम किए? इसमें सर लगभग ये टर्नल तैयार होने में 1.5 साल लग गया है, और इसमें जब काम चालू था तब एक्सकेवेटर चलाने में बहुत आदमी को दिक्कत परेशानी होता था, ठीक है, जान जोखिम में डाल के ये टर्नल बनाया है कंपनी। आप इसमें एक्सकेवेटर ऑपरेटर हैं? हाँ सर, एक्सकेवेटर ऑपरेटर का पोस्ट है। बहुत मजबूत बनाया गया है ना? हाँ, काफी कंपनी मजबूत बनाया है टर्नल, अभी कोई दिक्कत परेशानी का बात नहीं है। और आप इसके बारे में और कुछ बता सकते हैं? इसमें देखिए अभी काम चालू है, लाइट का, लाइट लग जाएगा तो काफी टर्नल अच्छा दिखेगा भी, और नाइट के लिए भी यात्री सबको भी अच्छा रहेगा। इसका ओपनिंग डेट आपको पता है कब तक ओपनिंग होगा? इसका सर 10 जुलाई को ओपनिंग होने वाला है। अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है, आपको हम बता रहे हैं दोस्तों। आइए अभी और दिखाएंगे अंदर का कुछ नजारा। ये जो देख रहे हैं ये बहुत मजबूत से बनाया गया है दोस्तों, ये पूरा बन के तैयार हो चुका है लगभग में, सिर्फ लाइटिंग का काम बचा हुआ है और कुछ फिनिशिंग का काम बचा हुआ है। और ये ग्रिल जो देख रहे हैं, ग्रिल पूरा डाला गया है, ये लोहे का ग्रिल है, इसको अच्छे से पेंटिंग उंट करके खूबसूरत बना दिया गया है। अभी हमारे रियाज भाई से आपका मुलाकात कराएंगे, अभी रियाज भाई हमारे बताएंगे इसके बारे में कुछ और। आप इस ये रियाज भाई क्या चीज इसमें क्या काम करते थे, क्या पोस्ट पे थे? हाँ, ये इसमें हम भाई हाइड्रा ऑपरेटर है, ये हाइड्रा चलाते हैं, ठीक है ना। और इसमें ऐसा तो कुछ मेरा काम इसमें कोई खास नहीं था, सिर्फ बस मशीन को इधर से उधर करना, और अभी फिलहाल टनल कंप्लीट होने के बाद जो है सिर्फ लाइटिंग का काम है मेरा, हाइड्रा चलता है। अच्छा, हाँ अभी भी लमसम कंप्लीट होने पर आ चुका है, मोटा मोटी 1-1 महीना और लगेगा लाइटिंग वाइटिंग करने में, वह कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। आइए आपको और दिखाते हैं, चलिए आगे आगे मुंह तक ये दिखाएंगे। ये पिको सी है, ये जो लाइनिंग देख रहे हैं ये गाड़ी का लाइनिंग दिया गया है, 2 लाइन 3 लाइन। ये लाइट है, रेडियम लाइट है जो गाड़ी को इंडिकेट करेगा कि इसके बाहर गाड़ी ना चले।
अभी आगे वाले मुंह पे ले चलेंगे, आपको दिखाएंगे उधर से किस तरह का नजारा है टनल का।